हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब ठीक ठाक होंगे। आज मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा फर्स्ट डे है। मकान में सामान में मैंने सारा शिफ्ट कर लिया हुआ है, तो मार्केट से होके आई हूँ। लहसुन अदरक बना रही थी बेटी, ये देखें। तो इसका पेस्ट वगैरह मैं अगर जब इकट्ठा बना होना तो थोड़ी ज़रा सहूलत रहती है। तो मैं सोच रही थी मैं कि आप मतलब कि दिखाया ही नहीं। मैंने सामान सारा शिफ्ट भी कर लिया और समेट भी दिया। कल शाम को मैं मतलब कि सामान वगैरह लेके यहाँ पे आए थे, तो काफ़ी रात में लगी रही, तो सारा सामान मैंने शिफ्ट किया है। मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल लेके आई थी, ये देखें। मार्केट से भी होके आई हूँ, कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था वो लिया। तो ये मेरा बैकग्राउंड तकरीबन बन गया है। सामान इतना ज़्यादा नहीं था मेरा, नॉर्मल सामान था, तो वो मैंने शिफ्ट कर लिया यहाँ पे। ये लें जी, ये देखें, ये मैंने सारा वॉश बेसन है, ये किचन है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरी बनेगी तो वो किचन की मेरी इसी जगह पे होगी। तो आज भी मैं सोच रही हूँ आलू शिमला बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया है आलू शिमला मैंने बनाया नहीं। तो इंशाल्लाह आपसे भी शेयर करती हूँ, ठीक है? बनाते हैं इकट्ठे, आप मेरे साथ लीजिएगा, ठीक है? वेलकम बैक टू माय न्यू किचन, ठीक है? ये मैं जो लहसुन अदरक मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मैं ये बना रही हूँ, अभी मैं इसको चॉप करूँगी इसके अंदर। तो मैं इसके कट करके इसके अंदर डाल के चॉप करूँगी। पहले मुझे बताइएगा ज़रूर कि कौन कौन ये तरीका आजमाता है या ये तरीका करता है, क्योंकि हंडिया बनाते वक्त ना थोड़ी उलझन होती है कि लहसुन अदरक स्पेशल चॉप किया जाए। मुझे होती है, आपका मुझे पता नहीं, ठीक है? तो मैं मेरी कोशिश होती है कि ये चीज़ जो है ना वो पहले से बनी हो तो इजी हो जाता है ज़रा। तो मुझे बताइएगा कौन कौन ये जो है ना ये तरीका आजमाते हैं या करते हैं, तो और किस तरीके से ये लहसुन अदरक जो ज़्यादा देर तक रखना तो किस तरीके से अच्छा रह जाता है। अगर किसी को इससे बेटर तरीका पता हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, ठीक है? तो ये मैं चॉप करने के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आलू शिमला बनाने जा रही हूँ, तो वो भी बनाते हैं करते हैं, ठीक है? जा रही हूँ आलू शिमला। ये शिमला तकरीबन मेरी मैंने काट की है, सारी रेडी हो गई है तकरीबन। तो बेसिकली तो दिल कर रहा था इसके अंदर गोश्त भी डालूं, लेकिन आज मैंने किनोर की मंगवा ली है तो डालूंगी इसके अंदर। नहीं जी, मैंने हंडिया में कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। घी तकरीबन गर्म हो गया हुआ है, ऑयल नहीं सॉरी, मैं घी डाला है। और ये मैंने प्याज बड़ी कटी हुई ली है, ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर। आज हम बना रहे हैं शिमला, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्याज हमारा तकरीबन थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, अब इसके अंदर डालेंगे हमें ये जो मैंने लहसुन अदरक मैश किया था, ये वो है 1 टीस्पून आई थिंक एंड हाफ, इतना काफ़ी है। ये हमारा अपने एक हंडिया में डालने के लिए इतनी क्वांटिटी इसकी काफ़ी होती है। अब ये लहसुन अदरक जो है वो काफ़ी हमारा ब्राउन हो चुका है, मैं इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ, ठीक है? ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। फिर मैं इसके अंदर टमाटर जो है ना वो जो मैंने काट के रखा है मैं ऐड करूँगी। ये मैं डाल रही हूँ इसमें एक बस पीस मैंने लिया है किनोर क्यूब का, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब ये इसके अंदर डाल रही हूँ, मैंने मसाला जार लिए हैं, ये हल्दी है 1 टीस्पून,
हाफ टी स्पून दादर मिर्च है, ये मैंने मसाले खुद ला के ग्राइंड किए हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा है, ये थोड़ी सी काली मिर्च है, नमक हसब जायका जो आप जितना पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं। सारे में मसाले ऐड करते हैं, पानी ऐड किया है ताकि मसाला फ्राई हो चुका हुआ था, इस वजह से इसमें मैं आप सब्ज़ी ऐड करने लगी हूँ। ये हमने इसके अंदर सारी डाल देनी है, ठीक है। इसको हम स्टीम पे रख देंगे 15 मिनट में, माशाल्लाह हमारी सब्ज़ी हो जानी है तैयार। है जी हमारा ये आलू और शिमला का माशाल्लाह सालन हो गया तैयार, ज़बरदस्त खुशबू के साथ और ज़बरदस्त जायके के साथ। हम इसको प्लेट में निकालती हूँ। है जी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया है, ज़बरदस्त सालन तैयार हो गया है, ठीक है। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे शेयर सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कर दिया करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।